अभी मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही थी कि यहाँ पे एक पर्सन कितनी डोमिनेटिंग, कितनी रिसेसिव वाली यहाँ पे कंटेन कर रहा है, उसके बेसिस पे ही उसका कलर क्या होगा यहाँ पे डिसाइड होगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक एलील अपना यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। इसीलिए हम आप एक लाइन पढ़ोगे कि जितनी भी एलील है उन सब का फंक्शन कैसा होता है, एडिटिव। मतलब हर एक मैम, मेरा एलील। क्वेश्चन है, मैम हाँ जी मेरा क्वेश्चन है हाँ जी बोलिए। मैम, अगर थ्री एलील्स डोमिनेंट हैं या फोर एलील्स डोमिनेंट हैं, तो जो उनका एडिटिव सम होगा वो सेम रिफ्लेक्शन को कॉज करेगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो आप, आपने फोर कहा ना, ये देख लो आप, ये वाला फोर डोमिनेटिंग है, चार सर्कल यहाँ पे ये ब्लैक वाले दिखाए हैं, और टू यहाँ पे कैसे है आपके पास रिसेसिव एलील है, ये जो व्हाइट वाला हमें रिसेसिव एलील के बारे में बता रहा है। तो मैम फिर वाइटली वाइट मैम कम्प्लीटली रिसेसिव कैसे हुआ? अगर वो कम्प्लीटली रिसेसिव होगा फिर तो थ्री और फोर वाला हो जाएगा ना क्या 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 दोबारा बोलो। मैम? तो फिर यहाँ पे वाइट रिसेसिव कैसे है? व्हाइट रिसेसिव ही है ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैम अगर वाइट रिसेसिव होता तो दो जीन्स, चाहे उसमें एक हो डोमिनेंट या दोनों, उसका एक्सप्रेशन तो सेम ही आएगा ना? जिसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, नहीं सेम मैम, नहीं यहाँ पे सॉरी, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो आपका व्हाइट वाला, उसको हमने यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। मैं कह रहा हूं कि जो अगर एक डोमिनेंट पेयर हो, एक मैम सॉरी एक डोमिनेंट एलील हो एक पेयर ऑफ जीन में, तो मैम वो होमोजाइगस हो या हेटरोजाइगस हो, उसका जो कैरेक्टर एक्सप्रेशन होता है वो तो सेम ही होता है ना, इन केस वो कोडोमिनेंट ना आप यहाँ पे हो? मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे हो, यस मैम, लेकिन वासु हम मोनोहाइब्रिड तो यहाँ पे बनता ही नहीं है, वही तो मैं इतनी देर से मैं आपको बता रही मैम हूँ। लेकिन आपने ये तीन जीन्स तो अलग है ना, हाँ और आप कह तीन रहे हो कि जीन अलग एडिटिव है, सम होगा? हाँ लेकिन तीन जीन, लेकिन तीनों जीन ही स्किन कलर को कंट्रोल कर रही है, तीनों जीन। यस मैम, मैं भी वही कह रहा हूँ हाँ जी फिर, मैम, और आपने कहा कि इसका एडिटिव सम होगा, हाँ जी बिल्कुल, हर और एक मैम एलील। हर एक अलग अलग जीन एक कॉमन करेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगी। कॉमन करेक्टर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ आपका स्किन कलर हो गया करेक्टर। तो मैम मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैम हमारे पास दो जीन्स हैं, उसमें एक होमोजाइगस पेयर और एक हेटरोजाइगस पेयर है, और दो जीन्स है जिसमें दोनों होमोजाइगस पेयर्स हैं, एक आपकी और उसमें आप कह रहे होमोजाइगस हो मान कि लेते हैं, ये वाली है होमोजाइगस, मैम दो मेरा एक हो सिंपल क्वेश्चन है मैम, मतलब जॉट डाउन हो गया है अब। ये दो होमोजाइगस है और एक हेटरोजाइगस है। हाँ जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है मैम, इसे काफी छोटा हो गया है मैम, यहाँ पे जो अलग अलग जीन्स होंगे ये, इनकी प्लेसमेंट तो क्रोमोसोम पे अलग होगी, तो हाँ मैम जी इनके अंदर जो ये पेयर ऑफ एलील है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा या नहीं? लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा मैम? तो नहीं नहीं करेगा। फिर मैम ये कौन सी डोमिनेंस है हाँ जी मैम, फिर ये किस टाइप की डोमिनेंस है? मैम किस टाइप की डोमिनेंस है, वही तो कह रहे हैं यहाँ पे डोमिनेंस जो है यहाँ पे जस्ट ओनली इस बेसिस पे है कि कौन कितनी एलील कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पे, एक मिनट रुको वेट, यहाँ पे होगा कि कहाँ पे होगा, अब तो ये तो मुझे भी नहीं, यहाँ पे पढ़िए आप जस्ट ओनली ये वाला पैराग्राफ एक बार रीड करते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्किन पिगमेंटेशन जो ह्यूमन में होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, मैनी सेपरेटली इनहेरिटेड जीन। सारी जीन्स क्या होती हैं, सेम क्रोमोसोम पे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं स्किन कलर का, तो यहाँ पे थ्री जीन्स है, लेकिन मैम एक जीन तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पे ही प्रेजेंट होता है। एक जीन एक जीन तो एक क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है। हाँ, तो मैंने कहा ना कि डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। मैम मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि वो जो एक जीन एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसमें जो दोनों अलील्स हैं उनका वो मैम सर्टिफिकेट उसमें अगर इंडिपेंडेंट एक होंगे तो। डोमिनेंट करेक्टर है उसके अंदर प्रेजेंट है मैम, और एक रिसेसिव करेक्टर है, और मैम मान लो कि दोनों ही डोमिनेंट है यानी होमोजाइगस और हेटरोजाइगस पेयर है, हाँ
तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या नाम वासु, पहले आप मुझे ना इस पूरी क्वेश्चन को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद जो आपके जो भी क्वेश्चन है ये सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? एक बार प्लीज मैं पहले इसको फिनिश कर लूं, उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आप बोल रहे हो वो मुझे समझ में आ गया अब, ठीक है? प्लीज लेकिन पहले आप इसको सुनिए। अब जैसे यहाँ पे क्या वो बोल रहा है, थ्री जीन्स है, डार्क स्किन की जो एलील है फॉर ए जीन, यहाँ पे क्या दिया है, ए बी सी दिया है कैपिटल में, कंट्रीब्यूट किसकी किसके लिए कर रहे हैं, ओनली वन यूनिट, यूनिट क्या है, डार्कनेस है। जब भी किसी पर्सन के पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अभी हम यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो वो किसको कंट्रोल कर रही है यहाँ पे, डार्कनेस को कंट्रोल कर रही है। जो आपके पास क्या है, डार्कनेस टू द फिनोटाइप एंड बीइंग इनकम्प्लीटली डोमिनेट डोमिनेट टू द अदर एलील। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी दूसरी एलील कैसी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अब यहाँ पर जिस पर्सन के पास ये वाली एलील होगी स्मॉल ए वाली, वो यहाँ पे किसको कंट्रोल कर रही है, हमारे जो आपका लाइट कलर होता है। तो हमारा मॉडल क्या है कि जिसके पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी पर्सन होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी डार्क, और जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होगा वो क्या होगा, वेरी लाइट, मतलब एकदम पूरा वाइट। जब इन दोनों की मीटिंग हुई तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये वाली कंडीशन मिली, ये आपने करके देख लिया। अभी जो आपने मुझसे पूछा क्या नाम वासु, आपने मुझे कहा कि मान लेते हैं एक पर्सन है उसके पास होमो भी हेट्रो भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वो तीनों एलील उसकी हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही वो प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमारे पास जो पर्सन ये वाला है जिसके पास ये जीनोटाइप है, तो उसका स्किन कलर हमें कैसे मिला, इंटरमीडिएट शेड का मिला, ना तो वो लाइट था ना ही वो डार्क था। अब यहाँ पर ये वाली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिकॉज द एलील हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। एलील का इफेक्ट कैसा हो रहा है, क्यूमुलेटिव हो रहा है, मतलब एडिटिव हो रहा है। यहाँ पे हर एक एलील, जो ये छह की छह एलील है ना, हर एक एलील कंट्रीब्यूट कर रही है उसके स्किन कलर को कोड करने के लिए। यहाँ पे जितना कंट्रीब्यूशन इस कैपिटल ए का है उतना ही कंट्रीब्यूशन स्मॉल ए का है, उतना ही स्मॉल बी मैम, का हम है। यही तो पढ़ते हैं कोडोमिनेंस में। मैम, जब कोडोमिनेंस हमने रेड और व्हाइट फ्लावर की क्रॉसिंग कराई तो हमें पर्पल फ्लावर क्यों मिले, मतलब रॉयल कौन सा था वो, पिंक इनकम्प्लीट फ्लावर, में, सॉरी इनकम्प्लीट में पढ़ते हैं, को में नहीं पढ़ते हैं। मैम, फिर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो है। नहीं, आपने कहा कोडोमिनेंस में, को में नहीं पढ़ते, इनकम्प्लीट में पढ़ते हैं। मैम, फिर मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल यहाँ पे देखो, F1 जनरेशन जरूर शो कर रही है लेकिन यहाँ पर आपकी एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व है। हाँ, यहाँ पे जब भी आपकी वो हो रही है कि स्किन कलर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पे हम ये जरूर मान सकते हैं कि जैसे अब ये आपकी दोनों साथ में आ गई। अब सिंपल ये मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए ये दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इस केस में हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास कैपिटल ए जो डोमिनेटिंग एलील है ये आपकी कंप्लीटली डोमिनेटिंग नहीं है स्मॉल ए के ऊपर, क्योंकि अगर ये कंप्लीट डोमिनेटिंग होती तो यहाँ पे उनका स्किन का कलर यहाँ पे डार्क ही होता, लेकिन हमें यहाँ पे बीच वाली शेड मिल रही है। यस मैम, मैं भी कह रहा हूँ। सो बिकॉज द एलील, जितनी भी एलील यहाँ पे है, छह की छह एलील हैव अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव मतलब होता है एडिटिव इफेक्ट। द जीनोटाइप यहाँ पे यही वाला है। अब देखिए मान लेते हैं एक जीनोटाइप यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड दूसरा वो बोल रहा है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल सी वुड मेक द सेम जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू द स्किन डार्कनेस। अब यहाँ पे देखिए दोनों का जीनोटाइप देखिए यहाँ पे डिफरेंट है, ये बीच वाला देखिए जिसको मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट कर लेती हूँ। एक पर्सन का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक पर्सन का जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी एंड आपका स्मॉल बी स्मॉल सी, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पर इन दोनों पर्सन का जीनो यहाँ पे फिनोटाइप सेम होने वाला है। अगर आप इन दोनों पर्सन की शक्ल देखोगे तो यहाँ पे जो स्किन जो उनकी डार्कनेस होगी, अरे वो कितना फेयर है कितना डार्क है, वो दोनों में सेम होने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे काउंट कीजिए इस पहले वाले में, तो 1 2 3 थ्री डोमिनेटिंग एलील है और थ्री ही यहाँ पे रिसेसिव एलील है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और यहाँ पे आप देखिए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी
थ्री डोमिनेटिंग है और थ्री यहाँ पे स्मॉल बी, स्मॉल सी थ्री यहाँ पे रिसेसिव एलील है। तो यहाँ पे एलील का कंट्रीब्यूशन कैसा है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, हर एक एलील यहाँ पे क्या कर रही है, कंट्रीब्यूशन कर रही है। ये समझ में आ रहा है आपको कि कितनी डोमिनेटिंग एलील है, कितनी रिसेसिव एलील है, सबका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है एक स्किन को डार्क कर, मतलब स्किन के कलर के लिए। ये लाइन समझ आई आपको? वासु सिंह तो बताइए ये वाली लाइन पता चली या नहीं पता चली? यस मैम, यस मैम। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे देयर आर सेवन स्किन कलर फिनोटाइप दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम मेटिंग बिटवीन द, अगर आप इन हेटरोजाइगस की मेटिंग करोगे तो हमें यहाँ पे टोटल आपके सेवन तरीके फिनोटाइप दिखने वाले हैं। इन लार्ज नंबर ऑफ सच मेटिंग द मेजोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू द इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो हमें यहाँ पे अगर हम इन दोनों की मेटिंग करवाएंगे तो नॉर्मली जो हमें लोग मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपके मिडल रेंज वाले मिलेंगे, ना तो वो बहुत ज्यादा डार्क होंगे ना ही बहुत ज्यादा आपके लाइट होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने अभी आपको, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमें क्या बताता है कि नो डाउट जीन कंट्रोल करती है, लेकिन यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर का भी पूरा पूरा रोल देखा गया है। मान लेते हैं कि एक पर्सन नॉर्थ में रहता है और दूसरा आपका साउथ में रहता है, कितना उसको वहां पे सन का एक्सपोजर हो रहा है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ये भी हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करती है। तो ध्यान रखना इसके बारे में कि यहाँ पे जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है जीन्स के अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। समझ आया आपको कि नहीं आया? जैसे हमने, अब आप ये ले लो हाइट का एग्जांपल ले लो, हमने कहा हाइट, हाइट को टोटल कितनी जीन्स कंट्रोल करती है, 180 जीन्स कंट्रोल करती है। अब लेकिन जो हमारी हाइट है वो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी पर भी इफेक्ट करती है। जैसे मान लेते हैं जो एक बच्चा है उसको कितना खाना पीना मिल रहा है, कितनी न्यूट्रिशन उसको मिल रही है, उसको सारे न्यूट्रिएंट मिले कि नहीं मिले, वो कैसी जगह पे आपका बॉर्न हुआ है, तो वो भी हाइट को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। जीन का तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ही है बट साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर भी है। समझ आ रहा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपकी जीन्स के अलावा आपका उसको एनवायरमेंटल फैक्टर भी कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखिए जो आपकी दोबारा ये चार्ट देख सकते हो, तो जब हमने यहाँ पे देखा तो आप ये देखिए 20/64, अगर आप इस शेड को देखोगे यहाँ पे तो 20, अगर आप ये काउंट करोगे ना यहाँ पे हमें काउंट करने पड़ेंगे। ये देखिए हमें इस तरीके का ओनली वन ही जीनोटाइप मिलेगा, ये भी ओनली वन ही मिलेगा, इसको तो एलिमिनेट ही कर दो। यहाँ पे जो पहला और ये लास्ट में लिखा है कि 64 में से ओनली वन ही जीनोटाइप ऐसे मिलेगा और यहाँ पे 64 में से वन ही ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ डार्क स्किन एलील, जो ये पहला पर्सन है इसके पास एक भी एलील डार्क स्किन की नहीं है, मतलब कैपिटल ए की नहीं है, ना ना कैपिटल ए है, ना कैपिटल बी है, ना कैपिटल सी है। लेकिन लास्ट वाला देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद छह की छह एलील कैसी है हमारे पास आपकी, यहाँ पर डार्क वाली है। और अगर आप ये मिडल वाला देख रहे हो ना 20/64, तो यहाँ पे 20 जीनोटाइप हमें ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे थ्री एलील कैसी है हमारे पास आपकी, डोमिनेटिंग एलील है। तो यही रीजन है कि हमें वहां पे कलर कैसे देखने को मिलता है आपका, इंटरमीडिएट टाइप का देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप देख सकते हो, तो ये वाला हो गया, ये देख लो आप, ये ऐसे आप यहाँ पे क्रॉस बनाओगे इजिली आप कर सकते हो। ये वाला, ये बॉक्स पूरा, इसमें थ्री एलील है डोमिनेटिंग, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, काउंट कीजिए कितने हुए ये टोटल, कोई और रहता है यहाँ पे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, एटीन हो गए हैं। दो कहाँ पे रहते हैं, ट्वेंटी है ना? हाँ एक ये वाला,
आपको नजर आ रहा है ये कहाँ रह गया? और हाँ एक ये वाला देख पा रहे हो आप इसको, यहाँ पे हमारे पास ये 64 में से 20 जीनोटाइप ऐसे हैं जिसमें हमारे पास आपकी 3 डोमिनेटिंग एलील है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि 15 ऐसे हैं जिसमें 2 हमारे पास आपकी डोमिनेटिंग एलील है और बाकी 4 कैसी हैं आपकी रिसेसिव है। इसके अलावा आप ये वाला देख सकते हो कि वही सेम 64 में से 15 ऐसे हैं जिनके पास 4 डोमिनेटिंग है और बाकी 2 कैसी हैं आपकी रिसेसिव होगी, और यहाँ पे 64 में से 6 ही ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसमें से हमारे पास 5 आपकी डोमिनेटिंग है और 1 क्या है आपकी रिसेसिव एलील है, जो अभी हमें एंड में देख सकते हो ये वाला। आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है असीमता वासु? यस मैम। वासु आपको समझ में आया या अभी भी कुछ कुछ डाउट है आपको? तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अ सिंप्लीफाइड मॉडल फॉर द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑफ द स्किन कलर। इन दिस मॉडल 3 सेपरेटली इनहेरिटेड जीन अफेक्ट करती है स्किन कलर को। जो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, दैट इज दिस वन रिप्रेजेंटेड बाय द 2 रेक्टेंगल्स एट द टॉप ऑफ द राइट फिगर। अभी यहाँ पे जस्ट उन्होंने बताया है कि अगर आप इसको करोगे तो हमें यहाँ पे पोनेट स्क्वायर का अगर आप करोगे तो यहाँ पे पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं आपके, हमें यहाँ पे 64 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देखोगे अगर स्किन कलर की, तो वो हमें कितनी मिलती है, 1:6, 15:20, 15:6 और आपका 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारे पास कॉमन है, ये 1:6:5 और आपका लास्ट सॉरी 1:6:15 और आपका 1:6:15 और बीच में आ गया 20। रेशियो याद है आपको असीमता? समझ आया रेशियो हमने कैसे निकाली? यस मैम। ठीक है, तो एक बार जस्ट ओनली मैं इसको रीड कर लेती हूँ। यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखिए यहाँ पे हमें क्या बता रहा है। यहाँ पे सो मेंडल स्टडी मेनली डिस्क्राइब दो स्टेट। मेंडल ने कौन सी स्टेट को डिस्क्राइब किया था? हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आर इधर पर्पल और द व्हाइट। सिंपल सी बात है, उन्होंने डिस्टिंक्ट कलर डिस्टिंक्ट मतलब ऑल्टरनेट करेक्टर को ही लिया था। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देर आर मैनी ट्रेट विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देर अक्रेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। एग्जाम्पल लेते हैं इन इन ह्यूमंस का, वी डू नॉट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल। मानते हो ना इस बात को असीमता? ऐसा तो नहीं होता ना, या तो लंबे ही होते हैं या छोटे ही होते हैं, बीच वाले होते हैं। यस मैम। ह्यूमंस में अगर हम बात करें जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। हर एक रेंज की पॉसिबल होती है। आप खुद ही सोचो, 3 फुट का भी होता है, 4 फुट का, 4.5 का, 5 का, 5.5, 6, 7, कितनी हमें हाइट के अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है। लेकिन सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 or more gene। अब ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अगर कितना मोर देन 3, अगर उसको 3 से ज्यादा 3 or more gene अगर उसको कंट्रोल कर रही है एक सिंगल करेक्टर को, उसको बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सो दस कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट। अभी भी मैंने आपको यही चीज बताई कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन तो इन्वॉल्व है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है, कैसी वहां की एनवायरमेंटल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर क्या है, अनदर क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इन पॉलीजेनिक ट्रेट फिनोटाइप रिफ्लेक्ट, फिनोटाइप को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। जितनी भी एलील वहां पर प्रेजेंट है हर एक एलील क्या कर रही है वहां पे कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब वहां पे हर एक एलील का हम वहां पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन
एबीसी कंट्रोल करती है स्किन कलर को इन इनह्यूमन, और इसमें डोमिनेंट फॉर्म है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? और द डार्क स्किन कलर, और रिसेसिव फॉर्म स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और द लाइट स्किन कलर। जीनोटाइप क्या होगा डोमिनेंट एलील का? ये होगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल सी विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर, और जिसके पास सारी रिसेसिव एलील होंगी उनका जीनोटाइप कैसा होगा, मतलब उनका फिनोटाइप कैसा होगा? लाइट स्किन कलर। सो एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विद थ्री डोमिनेटिंग एलील एंड थ्री रिसेसिव एलील, अब इनके वो हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि हमें उसमें स्किन कलर कैसा मिल रहा है? इंटरमीडिएट टाइप का मिल रहा है। सो इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वो डिटरमिन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ स्किन इन एन इंडिविजुअल। कितनी वहां पे एलील आपकी डोमिनेटिंग है, कितनी वहां पे रिसेसिव एलील है उस जीनोटाइप के अंदर, वो क्या चीज डिटरमिन करती है? डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन। समझ आया आपको कि नहीं आया? असीमता? यस मैम, आ गया समझ। तो ये था आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंकेज वाला है, वो मैं आपको कल ही स्टार्ट करवाऊंगी। अभी थोड़ा सा बस आपका जो अब तक हमने किया है उसको जस्ट ओनली एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जो जो हमने आपके एक्सेप्शन वाले केस किए थे, जैसे हमने सबसे पहला आपका किया था नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने आपका एग्जाम्पल लिया था स्नैपड्रैगन का, जिसे हम डॉग फ्लावर कहते हैं, इसे हम एंट्राहाइनम कहते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो F1 जनरेशन है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप शो कर रही है, वो आपके किसी भी पेरेंट से मैच नहीं हो रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होती है वो क्या होती है? सेम होती है इन द F2 जनरेशन, दैट इज 1:2:1। उसके बाद हमने क्या था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमने आपको एग्जाम्पल किया था आपका ए बी ब्लड ग्रुप का। हमने यहाँ पे देखा था कि जब हमारे पास आपकी हेटरोजाइगस कंडीशन है तो इस हेटरोजाइगस कंडीशन में भी मतलब दोनों एलील है, दोनों एलील कैसे डिफरेंट है, बट उस केस में क्या हो रहा है जब हमने फिनोटाइप देखा तो दोनों एलील क्या हो रही है आपकी इक्वली एक्सप्रेस हो रही है, तो हमने इसको बोला कोडोमिनेंस, जहाँ पे दोनों एलील आपकी एक्सप्रेस हो रही है। इसके बाद हमने आपका मल्टीपल एलील का किया था कि जहां पर एक जीन के पास क्या होती है, एक जीन के पास आपकी 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। सेम इसमें भी एग्जाम्पल आता है ब्लड ग्रुप का, क्योंकि ब्लड ग्रुप को टोटल 3 एलील कंट्रोल करती है आई ए आई बी और आपका स्मॉल आई। इसके अलावा हमने आपका स्टार सिंथेसिस किया था पी सीड के अंदर, ये भी आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ही एग्जाम्पल है। फिर हमने लास्ट आपका कल प्लियोट्रॉपी किया था। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है जहां पर 1 जीन अफेक्ट करती है किसको, मल्टीपल फिनोटाइप को, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस का, सिकल सेल एनीमिया का, और लास्ट में हमने एग्जाम्पल लिया था आपका फिनाइल किटोन्यूरिया का। और उस पर जो आज हमने डिस्कस किया वो हमने बात की आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं स्किन कलर का, और स्किन कलर के अलावा एग्जाम्पल लेते हैं आपका ह्यूमन हाइट का। तो स्किन कलर को टोटल हमने क्या देखा 3 जीन कंट्रोल करती है, मतलब 3 से ज्यादा जीन जिसको कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन ध्यान में रखना है ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये टोटली आपका मतलब जीन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन साथ ही साथ में एनवायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट कैसा है, ठीक है? तो ये हमारा जितने भी केसेस थे आपके आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो आपका लिंकेज के ऊपर रहेगा, जो मॉर्गन ने जिसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है? समझ आ गया, ड्रोसोफिला के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो आज असीमता इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन फिर आपका कल करेंगे। ओके मैम, ठीक है असीमता, चलो फिर बाय बाय। बाय मैम।